सभी बच्चों का स्वागत है सेशन में। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं इंडिया का एक लौता डेडिकेटेड चैनल फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस प्रिपरेशन। तो अब बच्चों जैसे LIC EAU का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग SBI नोटिफिकेशन एनी टाइम फ्रॉम नाउ। और एक चीज जो हमें सिमिलर दिख रही है इन दोनों के पैटर्न में इज दैट कि दोनों में प्रिलिम्स होगा एंड फिर मेंस भी होगा, सेक्शन वाइज टाइमिंग अपने आप में अलग भी है। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट से जो कि अनिकेत सर हैं, जो कि हमारा रीजनिंग का कंटेंट, रीजनिंग की बुक्स और जो भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेरीज होती है वो जो भी उनकी टीम जो टीम हैंडल करती है वो टीम हेड करते हैं अनिकेत सर। तो उनसे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग सेक्शन को आप लोग भी ज्यादातर पजल्स के बारे में ही पजल्स के नाम से ही जानते हो। तो चलो अब मैं कितना बोलूं तो लेट्स डिस्कस विद अनिकेत सर। तो हेलो अनिकेत सर। हेलो सर। हाँ, सबसे पहले हेलो टू ऑल ऑफ यू। सर मैं बात करूं जैसे अभी रीजनिंग का जैसे एग्जाम की बात करूं तो अगर कहा जाए तो सर 60-70% जो है एग्जाम के पेपर में पजल्स आते हैं। तो अगर हम ये ना कहें कि रीजनिंग का पेपर, हम ये ज्यादा कहें कि पजल्स का पेपर है तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अनिकेत इसमें मेरा एक क्वेश्चन यही है कि जैसे अब अगर बच्चों को एक तरीके का फोबिया होता है फॉर पजल्स, तो मतलब जैसे आप भी अपने टाइम पे एस्पिरेंट रहे होंगे तो क्या वो चीजें होती हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कि मतलब क्या किस तरीके से हम पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं या फोबिया हटा सकते हैं। सर सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो है हम पजल्स के टाइप्स को जाने। किस किस टाइप्स के पजल्स जो है आते हैं एग्जाम में, है ना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट ये है कि उन पजल्स को जो है हम जितना टाइम ले रहा है, जरूरी नहीं है कि हम फटाफट बनाए कम टाइम में उस पजल को खत्म करें, नहीं। आप टाइम ले पजल को आराम से सॉल्व करें जितना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में सर ये टाइम लगेगा जो स्टार्टिंग मतलब जो न्यू अभी, अभी आप ये कह रहे हो कि अभी मैं कोई मॉक नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ घर पे बैठा हूँ और मेरे पास पजल के कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे स्टार्टिंग से बिल्कुल न्यू से बिगिनिंग से स्टार्ट किया उन्होंने तो बिल्कुल आराम से पजल बनाए। 20 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है, डजंट मैटर, आराम से आप टाइम लेके बनाओ। लेकिन बच्चों एग्जाम में आपको 20 मिनट ही जो है प्रीलिम्स में सर दिए जाते हैं। Correct. तो सर 20 मिनट में अगर आप एक पजल बनाओगे तो पूरे पेपर आप क्लियर नहीं करेंगे। Correct. तो मेरा वही क्वेश्चन था कि मतलब वो किस तरीके से वो करना हमें इस तरीके है सर कि हमें दो चीज इसमें फायदेमंद होगी। एक तो सर जो कि ऑनलाइन टेस्ट होता है हमारा, है ना, एग्जाम भी हमारा ऑनलाइन ही है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ हम कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स उन पजल्स में हो रही है। तीसरी बात है कि सर बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बुक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि बुक्स में हमारे पास क्वेश्चंस हम खाली टाइम में हमेशा सर 24 आवर्स या फिर मैक्सिमम टाइम सर कोई भी बच्चा लैपटॉप पे बैठ के एग्जाम नहीं दे सकता या तैयारी नहीं कर सकता। मतलब ऑफलाइन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बुक चाहिए होगा, पेपर पेन चाहिए होगा, वो पेपर पेन पे जो है बुक पे प्रैक्टिस जो है वो करेगा। तो सर बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जो पैटर्न चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो बच्चे उन चीजों से अवेयर रहे। ऐसा नहीं कि जो 2016 2017 में जो पूछा जाता था ऐसा नहीं कि वही चीज मतलब उनको पता होनी चाहिए। जो अभी जो 2018 2019 में जो चेंजेस हुए हैं वो उन चीजों से उनको अवेयर होना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अनिकेत इसमें मेरा एक जो सवाल एक और है जो मुझे लगता है कि काफी बच्चों का भी होगा जी, कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि सर 20-25 मिनट अगर आप मतलब जो शुरुआत की जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें पहले आप पजल बनाना सीखो जी, उसके बाद जैसे अगर मैं भी अगर मैं शुरू करता हूँ और मैं अगर कोई पजल 20 मिनट में बना रहा हूँ तो मुझे कितने टाइम के बाद उस चीज में ईज ऑफ होगा और मुझे क्या क्या चीजें करनी है कि जो सेक्शन या जो क्वेश्चन मैं पहले 20 मिनट में करता था और लाइक से एक महीने या दो महीने या इवन 3 महीने की प्रिपरेशन हुआ तो ऑब्वियसली क्योंकि स्पीड विल टेक टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 महीने के बाद मैं पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन सही तरीके से क्या है कि सर जो भी पजल्स है छोटा पजल है या पहले क्या होता था सर पहले जो है लेंथी पजल्स आते थे, अब क्या हो गया पैटर्न चेंजेस क्या हो गया कि अब जो है शॉर्ट पजल आता है और ट्रिकी पजल्स रहता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों की, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो है आपको पॉसिबिलिटीज आएंगी, 2 पॉसिबिलिटीज 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी आपको, उन पॉसिबिलिटीज को लेने से आपको घबराना नहीं है। पॉसिबिलिटीज आपको लेनी है,
एक टाइम के बाद आपकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी अपने आप जो है कट ऑफ हो जाएगी। तो आपका जो एक फाइनल सॉल्यूशन है आपका ये बनेगा, आपका ये प्रैक्टिस डे वन से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे धीरे धीरे इसको ऑनलाइन पे प्रैक्टिस करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब सर अगर हम बात करें कि और सेक्शन की बात करें, जैसे कि पजल्स तो है, चलो 60-70% जो है पजल ने कवर कर लिया, लेकिन सर मेंस एग्जामिनेशंस में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी और भी टॉपिक्स है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोलिज्म है, इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशियंसी है, या लॉजिकल रीजनिंग है जो कि मेंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो सर तो ये जितने सारे टॉपिक्स है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है कि आप इनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ तो आप जो है वो स्कोर जो है मार्क्स अपने मतलब आप अपने सेव कर सकते हो वो वाले मार्क्स। अब अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ऑब्वियसली आप मतलब डू शेयर योर फीदबैक इन द कमेंट सेक्शन के हम अनिकेत को दोबारा लेकर आएंगे, एंड इवन व्हाट यू कैन डू यू कैन आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस और अनिम क्वेश्चंस को हम दोबारा से प्रेजेंट करेंगे। तो अनिकेत लास्ट मेरा क्वेश्चन ये कि मतलब अगर मैं रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करने में पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में देना है, या मेरा फोकस ये होना चाहिए चलो ठीक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो है बट क्या मुझे जैसे आपने बताया सिलॉग्स के बारे में बताया या इनपुट आउटपुट के बारे में बताया या लॉजिकल के बारे में बताया, तो मुझे उनमें भी उतना इक्वल ही टाइम देना चाहिए या पजल और सिटिंग पे ज्यादा फोकस? इंपॉर्टेंट ये है सर, दो टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका किसी को पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो है काफी जो है अच्छा है, उनकी पकड़ है उनमें, बाद बाकी चीजों में पकड़ नहीं है। अगर जिनका पकड़ है तो वो फिर बाद बाकी चीजों में फोकस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बिना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग सेक्शन क्लियर करना अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है। मतलब ये कि मतलब तो आपको पजल प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे, बाद बाकी चीजों पे भी आपको पकड़ रहे ताकि क्योंकि आपको स्कोर करना है एग्जाम में, बस आपको क्वालिफाई नहीं करना है एग्जाम में, आपको स्कोर करना है, तो उन चीजों के लिए आपको बाद बाकी टॉपिक्स को भी जो है कवर करना पड़ेगा। तो एक चीज है सर मैं बताना चाहूँ, मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो है हमारी टीम ने हमारे रीजनिंग की पूरी रीजनिंग टीम ने जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो है सेकंड एडिशन लॉन्च किया है। मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एज ए नॉर्मल, तो उसमें क्या है सर आपने देखा हो कि जैसे SBI का एग्जाम होता है तो उसमें SBI क्या करता है कि अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके सामने कुछ ऐसा लेके आता है कि बच्चे कभी उसको देख नहीं रहे थे, तो उसमें क्या होता है अचानक से कुछ नया दिखा बच्चे को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया उसका नाम रखा है एक टॉपिक का एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वर्ड, कि आप जो है कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जैसा कि अनएक्सपेक्टेड तो ये हमने बुक में रखा है ये पार्ट। तो उसमें आपको ढेर सारे बच्चों जो है क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां से जो है वो बुक सर काफी यूजफुल है, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी है, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स फ्रॉम माय थैंक यू अनिकेत सर। तो बच्चों ये अनिकेत सर थे जिन्होंने एक मतलब सच बताया आप लोगों के कुछ भी कर लो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए अगर आपको रीजनिंग का सेक्शन जो है वो क्लियर करना है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें और अगर मेंस की बात करें उसके लिए भी। तो बच्चों ये था हमारी तरफ से एक स्मॉल सा सेशन कि किस तरीके से हम रीजनिंग सेक्शन को और अच्छा कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक है कैसा भी फीडबैक हो डू मेल अस, माई आईडी gopal.anand@247.com, और अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है अनिकेत सर के लिए भी तो सेम आईडी है gopal.anand@247.com, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा और वो और उनकी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो थैंक यू अनिकेत सर, थैंक यू सर, थैंक यू।